टॉप थ्री बेस्ट स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन अंडर 20,000। तो भैया अगर आपका बजट 20,000 है, 20,000 के बजट रेंज में आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश जो है वो स्मार्टफोन चाहिए, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। तो बात करते हैं सीधा नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है रियलमी एक्सेस 7 को। तो सबसे पहले बता दो कि फोन जो है वो नया लॉन्च हुआ है, इसके कलर की भी बात कर लेता हूँ तो सिल्वर कलर में जो बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, अगर आपने लेना है तो वही कलर इसको ज़्यादा सूट करता है। तो भैया आप देख लेना, अगर आप इसके और जाना चाहते हो तो भैया आप जा सकते हो। मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ, पूरे नहीं बताऊँगा, डीपली ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है, थोड़े थोड़े से आपको बता देता हूँ। आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। ट्रिपल कैमरा मिल जाता है जिसपे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। अभी बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, आपको MediaTek की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा, अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, जितनी भी गेमिंग करना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, आपको लैगिंग इशू वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है आप इजीली नॉर्मली आप भी कर सकते हो। आपको 6GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, प्लस आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो भाई अगर आप जाना चाहते हो रियलमी X7 की ओर आप जा सकते हो, अगर आपने सिर्फ चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो। मैंने आपको कलर वगैरह पहले भी बता दिया कि अगर आप लेना चाहते हो तो भाई सिल्वर कलर जो है वो इसको चेकआउट कर लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो नंबर थ्री की बात होगी, आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करो। नंबर टू पे यार मैंने रखा है Redmi Note 10 Pro Max को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है, तीनों कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन है पूरा यार, इसके कलर वगैरह तो चलो मैंने आपको बता ही दिया। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। 120 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है बैक एंड फ्रंट साइड में, दोनों साइड मतलब। आपको 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर आप मूवीज़ वगैरह देखोगे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्वाड कैमरा साइड मिल जाता है 108 मेगापिक्सल के साथ, जिसपे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है, ठीक है। आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलेगा जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। प्रोसेसर भी तगड़ा है, हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। आपको 6GB रैम मिलेगी, प्लस आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो यार मैंने आपको Redmi Note 10 Pro Max के बारे में भी बता दिया। तो भी अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए, या अगर आपको स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है Redmi Note 10 Pro Max के, और आप इसके और जा सकते हो। लेकिन जो मैं आगे फोन बताऊंगा वो मुझे ज़्यादा फोन पसंद है। बात करते हैं सीधा नंबर वन की बात करूँ। नंबर वन पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M31S को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले इसके कैमरा क्वालिटी की बात करते हो तो भाई अगर आप फोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ रिकॉर्डिंग करने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। आपको क्वाड कैमरा साइड में देखने को मिल जाता है जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है, एंड सेल्फी में भी आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं, सैमसंग ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, एंड इसके प्राइवेसी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो भाई अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। 6000mAh की बैटरी मतलब एक दिन आपका नॉर्मली ईजिली निकल जाएगा, जितना भी आप यूज़ करना चाहते हो आप नॉर्मली ईजिली कर सकते हो। आपको 2 कलर्स में देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर इसको ज़्यादा सूट करता है। 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6GB वेरिएंट के साथ एंड 8GB वेरिएंट के साथ, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उसके और चल जाना। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं गेमिंग के लिए आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज आपको Exynos की ओर से प्रोसेसर देखने को मिलता है जो प्रोसेसर इतना तगड़ा नहीं देखने को मिलता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इसकी डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा सही है, इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सही है, इसके कलर वगैरह या डिज़ाइन लुक वगैरह के क्लासिक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपको भी वो चीज़ सूट करती है, मतलब अच्छी लगती है, आप इसके और जा सकते हो। अगर आप ऑफिस में वाकई काम करते हो, ऑफिस वर्क करते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। एंड अगर आपको रेडमी के फ़ोन पसंद आते हैं या रियलमी के फ़ोन पसंद आते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो भी पूरे परफेक्ट है। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 3 स्मार्टफोन बता दिया जो कि एक स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन है, कहीं भी कैरी करोगे, लेकर जाते हो तो वो आपके हाथ में पकड़े होंगे, होल्ड किए होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा सूट करने वाले हैं। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, करें इंस्टाग्राम पर कर ले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो मेरे वीडियो के साथ, थैंक यू।